क्वेश्चन देखिए, 14 भी बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही है, उसी तरह से ही इस पे प्रोसीजर लगना है, ठीक है। सो लेट स्टेटमेंट को हमने नेम दिया, फॉर एन इज इक्वल टू 1 के लिए हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास 1 + 1/1, 1 + 1 यानी कि 2। राइट हैंड साइड में भी हम 1 + 1 रख रहे हैं, ये भी हमारे पास 2, सेम आ रहा है, ठीक है। सो अब हम क्या कर रहे हैं, लेट अस एज्यूम दैट पी के इज ट्रू फॉर ऑल के बिलोंग्स टू एन। इसका क्या मतलब है, दैट इज पी के लेकर चलते हैं, यानी कि अप टू के टर्म्स। सो 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 एंड 1 + 1/k। और प्रूव क्या करना है, k+1 लिमिट, सॉरी ये तो हम लेट करके चल रहे हैं, प्रूव नहीं करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू प्रूव p k+1 इज ट्रू, मीन्स p k+1 की स्टेटमेंट बना के देखते हैं। ये क्या आ गई, 1 + 1/1, 1 + 1/2, अप टू k टर्म्स तक तो बिल्कुल सेम रहेगी, 1 + 1/k, kth टर्म है तो नीचे k, nth टर्म है तो नीचे n, k+1th टर्म है तो नीचे 1 / k+1। और हमें प्रूव क्या करना है, इसमें k+1 रखते हैं, एक और +1 पहले से ही है, तो ये क्या बन गया, k+2। तो ये चीज हमें प्रूव करनी है। सो अब इसके लेफ्ट हैंड साइड पिक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में देखिए इतना सा जो पोर्शन है वो फिर से हमारे पास 1 से मैच कर रहा है, इसके रिप्लेसमेंट में क्या रख सकते हैं, k+1। और यहां क्या बचता है हमारे पास, 1 + 1/k+1। तो ऐसा करते हैं, अब इसका एलसीएम ले लेते हैं, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह ही। क्या आ गया एलसीएम, k+1, यहां क्या बन गया, k+1, जबकि यहां +1 ऑलरेडी है, ये तो आपस में कैंसिल हो गए, तो देखिए क्या बच गया, 1 + 1, 2, और यही तो हमारी राइट हैंड साइड है।